ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? 5 ਪਾਊਂਡ, 4 ਪਾਊਂਡ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ हाँ जी भाई, सत श्री अकाल सारिआं नूं। जपजी धालीवाल यूके चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज दी वीडियो मैं इसलिए बना रहा क्योंकि साढ़े बहुत सारे पंजाब तो स्पैशली बहुत सारे लोग इतने डायरैक्ट वर्क परमिट ते आ रहे हैं ते कुछ क चक्करां दे विच इत्थे आ के पै रहे आ, फ्रॉड का हिस्सा वह बन रहे आ। तो मैं उहदे रिगार्डिंग ही तुहाडे नाल अज कुछ गल्लां करनियां। उस तो पहला मैं दस देवां कि मैं मेरा नाम जगमीत सिंह धालीवाल आ। मैं यूके स्कॉटलैंड दे विच लगभग 1.5 साल तो इत्थे रह रहा। तो जिन्नी क नॉलेज मैनू लगता कि तुहाडे नाल शेयर करनी चाहीदी उह मैं जरूर करदा, ते जिहड़ी इनफॉर्मेशन तुहानू मिलनी चाहिए आ शायद जो तुम इंडिया तो आने हो जां नवें आए हो तो उहदी मैं कोशिश करदा कि तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा उस बारे दस्या जाए, तुहानू उस तो सावधान किया जाए। हुण अजकल की हो रहा कि यूके दे विच स्पैशली केयर होम दे जिहड़े वर्क परमिट आ इंडिया तो ही ओवरसीज़ तो ही इत्थों लगवाए जा रहे आ। साडे बहुत सारे एजेंट आ जिहड़े इतों के कुछ क जड़े इंडियन कंपनियां, देखो इतने इंडियन कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हैगियां जिहड़ियां केयर होम जा होम केयर, सो एजेंसियां जिहड़ियां ओवरसीज़ तो बंदे बुलाउंदियां इतने, ते उहदे नाल की हुंदा कि साढ़े इंडिया तो ही असी डायरैक्ट 5 साल के जां 3 साल के वीज़े ते इत्थे आ जाने आ, जिहनूं टायर 2 वीज़ा कहिंदे आ, जिहनूं स्किल वीज़ा भी बोल दिंदे आ, ते जिन्हों शॉर्टलिस्टड वीज़ा भी बोल देंगे आ। तो उस तो बाद इतने फ्यूचर भी है, ये नहीं है कि तुसी वर्क परमिट ते इत्थे आ जाने हो तो इतने फ्यूचर नहीं है, बट फ्यूचर उत्थे है जेकर तुसी सही कंपनी पहुँच जाने हो। जेकर तुसी धोखे का शिकार हो जाने हो फिर उत्थे कोई फ्यूचर नहीं है। हुण साढ़े बंदयां नाल जां कुछ कु लोकां नाल इत्थे की हो रहा, सारे एजेंटा की मैं गल नहीं करता, एजेंट कुछ क सही भी भेज रहे, मैं कुछ मिल रहा वो वधिया इत्थे कम कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ क एजेंट इत्थों दी ठग कंपनियां नाल मिल के जां ये भी कह सकते हैं, कुछ एजेंटा नूं शायद पता भी नहीं कि वो इत्थे बच्चा भेजदा दिंदे नहीं कि इत्थे की हुंदा। इत्थे की हुंदा कि मैं सपोज करो किसी एजेंट ने इत्थों दी एजेंसी नाल गल कीती जां इत्थों फिरदे ने किसी ने गल करवाती, जे असीं तुहानूं जी कॉस लैटर दिंदे आ, एक कॉस नंबर हुंदा जिवें स्टडी दा कैस हुंदा इहदा कॉस हुंदा, उहदे च की हुंदा कि तुहानूं इत्थों दी कंपनी इंडिया तो ही स्पोंसरशिप दे दिंदी आ कि सानूं इह बंदा इत्थे कम करन वास्ते चाहीदा। इहदे च वैसे तो यह 5 ईयर स्किल वीज़ा हुंदा पर कई बार कंपनी 3 साल का दे दिंदी आ, 2 साल का इत्थे एक्सटेंड हो जाता। सो इहदे च की हुंदा कि साडे जिहड़े लोक आ जां साडे उत्थे कुछ क जिहड़े साडा यूथ आ उह की करदा कि मैनू लगता जिहड़ा मेरा आइडिया कि 25 तो लैके 35 लाख रुपये उत्थे खर्चदा। ते चलो पैसे की गल भी कोई खास नहीं आ क्योंकि जेकर इतने तुम स्टूडेंट आओगे फिर भी 15-20 लाख रुपया खर्च के आओगे क्योंकि फीसा भी भरोंगे तो वीज़ा फिर भी यही लेना पैना, स्किल वीज़ा तुहानू फिर भी लेना पैना अगे PR होने वास्ते। सो वधिया गल आ, चलो तुम 25 लाख रुपया लाया, 30 लाख रुपया लाया, 35 लाख रुपया लाया, चलो थोनू इतने कंपनी ने काम दिता, तो थोड़ा जिहड़ा स्किल वीज़े दे विच जरूरी है कि तुहाडा जिहड़ा काम भी आ वह 23,000 तो लैके 25-26-27,000 पाउंड पर ईयर का लग के आउंदा, इन्नी पे तुहाडी लगी हुंदी है। तो तुसी जदों इत्थे पहुँच जाने हो तुहाडी पे भी लगी आ, तुसी एक माइंड दे विच ये चीज़ सोच लैंदे हो कि यार देखो अपना 30 लाख रुपया लग्या होया ते अप्रोक्सीमेटली मैं 25 तो 30 लाख रुपया उत्थे मैं कमा लूँगा, चलो होर नहीं तो मैं 2 सालों के अपने सारे पैसे भी मेरे पूरे हो जाएंगे तो उस तो बाद मेरी लाइफ आ जिहड़ी सैट हो जाऊगी, ये चीज़ सोचते हो। पर जेकर थोड़ा इंडिया तो वीज़ा लग जे, 5 साल का तुहाडा वीज़ा भी लग गया, तुसी यूके भी पहुँच गए, सब कुछ ओके आ, तो जिथे तुसी पहुँचे हो जेकर थोनू कंपनी कहो कि साडे कोले काम नहीं आ, साडा मकसद तुहानू सिर्फ वीज़ा देना सी, साडा मकसद तुहानू सिर्फ इत्थे पहुँचाउणा सी, हुण तुसी आपदा काम आप देखो, फिर तुसी दसो भी तुसी पैसे कित्थों पूरे करोगे, फिर तुसी दसो भी तुहाडा इत्थे 5 साल दे वीज़े ते आउण दा की फायदा। हुण कई बंदे ये सोचदे आ कि चलो यार 5 साल बाद इत्थे PR हो जाएंगे, देखो तुसी इत्थे 25-30 लाख रुपया खर्च के आए हो तो यह तो नहीं है कि थोनू कंपनी काम ना दे तो तुसी टिकोगे, थोनू कितना कितने तो काम लभना ही पऊगा। जदों थोनू देखो इत्थे
जिस कंपनी ने तुहानू काम दिता इसका मतलब यह है भी उन्हें आपके रिकॉर्ड च तुहाडा नाम चढ़ा लिया। एच एम आर सी नू एवरीथिंग गया, हो सकता वो ताड़ी पे भी पवा पे पा लिया कर जमीन इंडिया च पवा लेंगे कढ़ा लेंगे पवा लेंगे कढ़ा लेंगे इदा करा नाम चलता रहूगा। बट तुसी जिथे भी काम करोगे तो तुहानू दो नंबर च ही काम करना पेगा, एक नंबर तुसी किते होर काम भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी तुसी किते केयर रूम च शो आ तुहाडा नाम, ऑलरेडी तुसी केयर रूम च किसी च काम कर रहे हो। सो दो नंबर च तुहानू की मिलना, 5 पाउंड 4 पाउंड, वह भी जे काम मिलता तो जे काम मिलता भी आते मनो कि तुसी जिन्ना चिर काम करोगे 5 साल 6 साल 3 साल जो भी ताडे ते जिहड़ी तलवार आ वह रिस्क की लटकती ही रहनी है। सैकंडली जे सपोज करो रब ना करे कोई गल बन गई ताडी कोई कंपनी च रौला पै गया उस दे विच कंपनी भी इत्थे जिहड़े केयर होम आ जां कंपनियां वह भी चैक करदी चैक हुंदियां इत्थे, नहीं कल्ला स्टूडेंट ही चैक हुंदा जां कल्ले काम ही चैक हुंदे आ, उहनां ते भी चैकिंग हुंदी आ, उहनां ते छापा वज सकदा। बहुत सारियां इत्थे कंपनियां फड़ी गईयां जिहड़ियां बंदियां नूं 4-4 पाउंड ते काम दे रहियां सी क्योंकि इत्थों दा रेट 10 पाउंड 42 पेंस पर आवर मिनीमम, उन्ने तो देने ही पेंदे आ सब नूं, उदों घट तां तुहानूं काम दे नहीं सकदा। दो नंबर दे विच इदां दे कई बंदे साउथ वेल्स दे विच भी कंपनियां फड़ियां गईयां, कुछ आयरलैंड दे विच भी इदां दे कंपनियां फड़ियां गईयां, शायद कई थां रौला पिया इदां दा। सपोज करो रब ना करे तुसीं दो नंबर च कितें काम भी करी जांदे हो सारा कुछ चलो तुसीं औखे सौखे औखा तां बहुत आ टाइम पास करी जांदे हो, कंपनी ते छापा पै जांदा तुसीं उत्थे हाजिर नहीं हुंदे जां कुछ भी रब ना करे इदां दी सिचुएशन पैदा हो सकदी आ, हो गई तां हो सकदा कि तुहाडा जिहड़ा वीज़ा विदड्रॉ कर ले कंपनी कि इहदा बंदा ही साडे कोल आया ही नहीं, इहदा जी इन्ने दिन हो गए साडे कोल आया नहीं, जे वो जो भी है इदां दी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कोई ये नहीं मैं कहिंदा भी किसे नाल होई आ जां होई भी हो सकती है। सो ये चीज़ का तुसी ख्याल रखो, जेकर तुसी इत्थे वीरे वर्क परमिट ते आउंदे हो तां अपना इन्हां गल्लां नूं माइंड दे विच रखो कि तुसी तां ही आओ जे तुहानूं इत्थे काम मिलदा, काम तां तुहानूं इत्थे कोई दिंदा नहीं, दो नंबर च ही हो जांदा समझ लो भी काम तुहाडा, इत्थे दो नंबर च फिर तुरे फिरोंगे ना थोड़े तो 30-35 लाख रुपया इकट्ठा होना, सारी उम्र का रिस्क आ। तो वैसे भी इत्थे अजकल जरा चैकिंग बहुत ज़्यादा कि तुसी किवें हो कित्थे काम करदे हो, पुलिस की चैकिंग पुलिस के छापे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा क्योंकि स्टूडेंट कितने भी सपोज करो कि आप डिलीवरी करते हैं तो आपको पुछ सकती है पुलिस कि तुसी किवें हो जी किवें हो ठीक है पुछ सकती है, कई बंदे वैसे कमेंट करते हैं कि नहीं पुछ सकते उन्हां कोले राइट नहीं पर वो तुहानू नॉर्मली पुछ सकते हैं, वैसे भी साडी बायोमैट्रिक होई हुंदी आ साडा सिर्फ उन्होंने अंगूठा ही लवाउणा ते साडा सारा जिहड़ा रिकॉर्ड आ जाणा असीं कौण आ कित्थे रहिंदे आ की करदे आ किहड़ी यूनिवर्सिटी सारा रिकॉर्ड आ जाणा। सो तुसीं इह गल दा ख्याल रखो कि जेकर तुहानू इत्थे 5 साल दे वीज़ा मिल रहा तां बहुत वधिया गल आ, माड़ी गल नहीं आ, तुसीं डेफिनेटली पीआर होवोगे। बट जेकर तुहानू इत्थे 5 साल दा वीज़ा भी मिल गया 30-35 लाख रुपया भी ला लिया तो इत्थे काम ही नहीं मिलता तो दसो तुसीं की करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, तुहाडे कोले कोई हल नहीं होगा। दो नंबर च काम करोगे रिस्क भरी लाइफ दे विच रहोगे, खर्चा भी नहीं निकलेगा क्योंकि खर्चा भी कोई ये तो नहीं है कि तुसी 4-4 पाउंड कमा के, सानू इंडिया तो कई बारी लगता कि चल यार 5 पाउंड भी मिलने तो मैं दिहाड़ी के 10 घंटे ला के 50 पाउंड तक कमाऊँगा, तो 50 पाउंड असी 5000 वेख लें तो सानू ऐ लगता यार चलो इतों नालों अनफ आ। बट ठीक है तुसी 5000 तो अनफ आ बट 5000 बचना भी तो चाहिए, ताडे इत्थे खर्चे आ, ताडा इत्थे खाण पीन दा चलो घट खर्चा, ताडा इत्थे रहन दा खर्चा बहुत ज़्यादा आ, ताडा बसिस दा खर्चा किराया बहुत ज़्यादा आ, ट्रेनस दा किराया बहुत ज़्यादा, जे कल नूं अपनी गड्डी लैंदे हो जां उहदा ताडा इंश्योरेंस जाना रोड टैक्स जाना सब कुछ जाना ते तुसीं खर्चे भी तां पूरे करने आ ना, घट्टो घट 50 पाउंड नाल तुसीं जे 6 दिन भी कम करो तां 300 पाउंड कमाओगे है ना, वह भी जे करो तां इन्ना कम वैसे मैनूं नहीं लगता तुहानूं कोई मिलेगा कि तुसी 10-10 घंटे 60 घंटे काम करोगे दो नंबर च, इदा मुश्किल आ। पहली गल तो दो नंबरों नूं काम इत्थे छेती मिलता ही नहीं, मिलना कित्थे आ ढाबियां ते टेकवे ते जिहड़े इंडियन पाकिस्तानी आ उन्हां कोले, ते उन्हां ने फिर तुहाडा शोषण आ जिहड़ा थोड़े पाउंड दे के करदा। सो बैटर इह आ कि आपां इन्ने पैसे लाउण नालों पहलां ही जंटरां इह गल कर लईए कि बई यूके च तां इदां हो रिहा, हो सकदा किसे जंटर नूं वी विचारे नूं ना पता होवे, कईआं नूं तां पता हुंदा तां शायद जाण के भेजदे इत्थे इदां, तो जदों मान के चलो बाकी कई साडा भी कई थां ते कसूर हुंदा, असी एजेंट नूं कहिंदे यार सानू तू उत्थे भेज दे उदों गा असी वेखांगे असी की कर सकदे आ जो साडे तों होया असी कर लांगे सानू उत्थे भेज दे। दो नंबर च यूके आउण दा तां डक्का भी फायदा नहीं क्योंकि यूके दे विच दो नंबर आणा ते तां बहुत ज़्यादा शिकंजा जिहड़ा कसिया जा रहा बहुत ज़्यादा। सो तुहानूं पता ही है कि जिहड़ी अज दी गवर्नमेंट है इंडियन बंदे दी गवर्नमेंट है इत्थे ते 27
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਇੱਥੇ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਲੇਜ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵੀ, 5 ਸਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੌਸ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਬਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਇੰਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਮੰਥਲੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੰਥਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ ਉਹ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਡਰੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬਟ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਕੌਂਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਚੰਗੇ ਕੌਂਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਫਸਣ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।